हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों? केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री यानी कि जिसको इसी को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। अब बच्चों आपको पता है, आप जब क्लास ट्वेल्थ में जाते हैं तो आपके पास कई सारे सब्जेक्ट होंगे, उनमें से एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री का रहता है। केमिस्ट्री का जब बोर्ड पेपर होता है बच्चों, तो आपको पता है यहाँ पर जो पेपर आता है वो आपका 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 70 नंबर का आता है। प्लस यहीं पर आपको 30 नंबर जो होते हैं वो कॉलेज की तरफ से, एग्जामिनर की तरफ से असाइनमेंट वगैरह वगैरह प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि जो होते हैं 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, और 70-30 को जब हम जोड़ते हैं तो आपका 100 नंबर का होता है। 30 नंबर को आप छोड़ दो, आपको 70 नंबर ये जो हैं जिसका आपको रिटन एग्जाम देना होता है, जहाँ कहीं भी आपका सेंटर जाएगा, ठीक है, वहाँ पर रिटन एग्जाम देते समय आपको इन 70 नंबर की तैयारी करनी रहती है। अब ये 70 नंबर की तैयारी, अब आप 70 में ऐसी कर रहे हो जिसमें आप 65 ले आ रहे हो, या 66 ले आ रहे हो, या फिर 67 नंबर ले आ रहे हो, या फिर आप 40 नंबर में ही रख के धर जा रहे हो, तो ऐसा क्या करते हो जो आपके नंबर जो हैं 70 में ज़्यादा से ज़्यादा? तो हम आपको आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, अप्रोक्स 45 टॉपिक। ये 45 टॉपिक जो है बच्चों, वो आपकी संपूर्ण बुक है, जो कंप्लीट बुक है आपकी केमिस्ट्री की, उस कंप्लीट बुक के यानी कि पूरी किताब के जो 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, वो सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। और इन सभी टॉपिक को एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपको पूरे साल पढ़ना रहेगा और आपको इन टॉपिक को तैयार करना रहेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला चैप्टर हमारी तरफ से हमने दिया जो सोल्यूशन लिया, यानी कि बिलियन वाला। बिलियन में हमारा पहला टॉपिक आता है मोलरता। मोलरता क्या होती है? एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, और आपको इसमें डिफिनेशन के साथ साथ मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्यों बता रहा हूँ याद करने के लिए बच्चों? क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाओगे तब वहाँ पर केमिस्ट्री में भी आते हैं न्यूमेरिकल। क्या आते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब होता है आंकिक प्रश्न। अब आंकिक प्रश्न जो आते हैं बच्चों, उनमें आपको क्या होता है वो करने रहते हैं, तो वहाँ पर करने के लिए आपको फार्मूला यानी कि सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है मोललता। अब मोललता इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता हो गया और मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश हो गया। ये सारे टॉपिक आपको जो है जो बिलियन वाला चैप्टर उससे पूछे जाते हैं। इन पर क्वेश्चन भी यानी कि परिभाषा यानी कि टिप्पणी करने को भी आती है, और इनके जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला टॉपिक है बच्चों हेनरी का नियम। देखिए हेनरी जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगला टॉपिक है बच्चों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? ये वाला नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला बच्चों परासरण और परासरण दाब। देखिए परासरण अलग है, परासरण दाब अलग है। देखिए परासरण दाब क्या होता है समझिए एक बार। ये जो परासरण है, परासरण की क्रिया चल रही है, अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसे परासरण दाब कहते हैं, ना कि परासरण को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि परासरण की क्रिया चल रही थी, इस परासरण क्रिया जो चल रही थी इसको अगर हमें रोकना है तो इसके लिए हम एक दाब लगाएंगे रोकने के लिए। जैसे आप गाड़ी मोटर को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, ऐसे ही परासरण की क्रिया को रोकने के लिए एक दाब लगाएंगे, जिसे हम कह देते हैं परासरण दाब। समझ में आ गया? अगला है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन कौन से होते हैं और अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। समझ लिए? अगला बच्चों है हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन और हिमांक में उन्नयन, उसमें से अवनमन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला बच्चों विद्युत अन अपघट्ट क्या होते हैं? देखिए विद्युत अपघट्ट आपने पढ़ा होगा और अन अपघट्ट, क्योंकि अब ज़्यादातर विद्युत अन अपघट्ट के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला बच्चों विशिष्ट चालकता यानी कि तुल्यांकी चालकता। विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन दोनों पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी कि विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता भी आपको पता होना चाहिए। अगला बच्चों है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? फिर आता है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी पर काफी क्वेश्चन आते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको शुरू से लेकर अंत तक
पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी इसका सचित्र वर्णन आ जाता है, यानी कि कंप्लीट इसमें 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं और 1 या 2 नंबर से लगा के 5 नंबर तक पूछे जरूर जाते हैं। समझ में आ गया मोलर चालकता क्या होती है और सेल क्या होती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की। उनमें से प्रथम कोटि और शून्य कोटि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। K=2 आपने पढ़ा था, 2.303/log10 a/a-x वाला, ठीक है, log x वाला आपने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि जो आपको और जो आपका शून्य कोटि यानी कि टी हाफ होता है अर्धायुकाल, टी हाफ इजुकल टू होता है वो आपने पढ़ा था के यानी कि बेग स्थिरांक इजुकल टू 0.693/ टी हाफ, ये वाला सूत्र भी आपको याद रखना है अर्धायुकाल। आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और अंत संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक जिसमें आपको पूछा जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, यानी कि 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा था। फिर आता है K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, इन दोनों का निर्माण कैसे होता है प्रयोगशाला में, सचित्र वर्णन आपको पता होना चाहिए। लिगेंड होता है क्या, लिगेंड क्या होते हैं और संकर आयन क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। फिर आता है बच्चों उपसासंयोजन यौगिक, उपसासंयोजन यौगिक क्या होते हैं। फिर आता आयन समावयवता और हाइड्राइड समावयवता, यानी कि आयनन समावयवता भी आपको पता होना चाहिए और हाइड्राइड समावयवता भी पता होना चाहिए। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, हाइड्राइड समावयवता और आयनन समावयवता में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर बच्चों कुछ टॉपिक आते हैं जैसे फिनोल C6H5OH, बेंजलडिहाइड C6H5CHO और आपका एसीटोन CH3COCH3, इनका सभी का आपको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड को CN कहते हैं और आइसोसाइनाइड को NC कहते हैं। ठीक है, इनका आपको सचित्र वर्णन पता होना चाहिए। फिर बच्चों आता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जय बड़ वाला चैप्टर। ठीक है, पेप्टाइड बंध का क्या होते हैं, इनकी पेप्टाइड बंध जो होते हैं प्रोटीन के अणुओं के बंध में जो होते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों आता है कोडोन क्या होते हैं, कोडोन क्या होते हैं आपको पता है, डीएनए वगैरह आप पढ़ोगे तब। ठीक है, डीएनए के बारे में आपको सचित्र वर्णन पढ़ना है। संयोजकता आबद्ध सिद्धांत, यानी कि संयोजकता आबद्ध सिद्धांत क्या है। फिर बच्चों आता है IUPAC नाम, यानी कि आपको IUPAC नाम जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। सेटजेफ का नियम क्या होता है, क्लोरोफार्म यानी कि CaCl3 का सचित्र वर्णन पढ़ना है। फिर बच्चों आता है आपको मार्कोनी काफ का नियम, आपको मार्कोनी काफ का नियम भी आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। अगला बच्चों है ल्यूकास परीक्षण, यानी कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। फिर बच्चों H2SO4 का सचित्र वर्णन आपको पढ़ के जाना है। 1°, 2°, 3° एल्कोहल के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है हेलोएरिन क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है 1°, 2° यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन क्या होते हैं, एल्कोहल और एमीन दोनों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर बच्चों अब यहाँ से 41 नंबर से लेकर, कहाँ से बच्चों, नंबर 41 से लेकर और नंबर 45 तक ये जो क्वेश्चन है, 41 से 45 तक के जो क्वेश्चन है बच्चों इनको समझिए। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जैसे एक आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस वो आपसे पूछी जाती हैं और इनमें आपके नंबर भी नहीं कटते, राइटिंग पे नंबर यहाँ पर नहीं करते हैं। फिर बच्चों एक टॉपिक आता है क्या होता है जब, जैसे जल की अभिक्रिया, नहीं हाइड्रोजन की अभिक्रिया, मान लीजिए जैसे H2 की अभिक्रिया O2 से होती है तो क्या होता है, यानी कि H2O बनता है, सभी को पता है H2O बनता है, तो ऐसे ही आपको ये सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। फिर क्या होता है, जैसे कैसे प्राप्त करोगे, अब वहाँ पर कैसे प्राप्त करोगे, जैसे कि हाइड्रोजन से वहाँ दे दिया गया कि हाइड्रोजन से कैसे प्राप्त करोगे जल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या जोड़ेंगे H2O। ऐसे ही आपको जो भी टॉपिक आते हैं वो आपको रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर नॉर्मल जो IUPAC नामकरण आता है। फिर बच्चों जो लास्ट में टॉपिक है न्यूमेरिकल, जो कि मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल जो होते हैं,
न्यूमेरिकल जो होते हैं इनसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब न्यूमेरिकल में कुछ ही चैप्टर जैसे बिलियन वाला चैप्टर हो गया, विद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगति हो गया, इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इन्हीं में फार्मूला जो हैं दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो बच्चों ये जो 45 टॉपिक आज हमने आपको बताए हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये 45 टॉपिक आपको तैयार करके जाना, इससे एक्स्ट्रा ही तैयार कर लेना, और ये 4500 टॉपिक हम आपको पूरे साल में पढ़ा देंगे। अगर आप चैनल पर ट्रस्ट करते हो तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।